हाय एवरीवन, लेट्स एंजॉय दिस चिकन स्टार्टर। फ्रेंड्स, हमारी माउथ वाटरिंग स्टार्टर चिकन रेसिपी इज रेडी। दिस इज पेरी पेरी चिकन, सो लेट्स चेक द रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंपास रेसिपी। चिकन पेरी पेरी की मसाला हम तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज डालेंगे, गार्लिक और जिंजर, दो तेज पत्ता, रेड पेपरिका, 1 teaspoon रेड पेपरिका पाउडर, 1/2 लेमन जूस, कोरिएंडर लीव्स, 1 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon शुगर, लिटिल बिट ऑफ ऑरिगेनो, लिटिल बिट ऑफ ऑल पर्पज सीजनिंग, One tablespoon olive oil. Now we'll grind it to make a paste. पेरी पेरी जो मसाला है, सॉस है, ये अब तैयार है, इसे मैं निकाल लूंगी। अब मैंने यहाँ पर 6 पीस चिकन लिया है, चिकन लेग पीस, और अब मैं ये पेरी पेरी मसाला जो मैंने तैयार किया है, इसके साथ इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूंगी, और इसे अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर लेंगे। और एक कोल की पीस को हम इस तरह से हीट कर लेंगे, थोड़ी सी लाल होने तक हम इसे ऐसे हीट करेंगे। और ये कोल अभी पूरी तरह से बर्न हो गए, देखिए रेड हो गया है। अब मैं इसे ऑफ कर दूंगी, और जो हमारे चिकन मैंने मैरिनेट किया था, इसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रख के यहाँ पे ये गरम कोल को छोड़ दूंगी, और इसी के साथ मैं यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल डाल दूंगी इस कोल के ऊपर, और ये देखिए स्मोक निकलना शुरू होता है, और इस पे हम इसे अच्छी तरह से इसे ढक देंगे, ताकि जो स्मोक इसकी है ये अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, और 1 घंटा हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। एंड लेट इट स्मोक। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है स्मोक फ्लेवर के साथ, क्योंकि मैंने कोल डाला था। अब यहाँ पर एक ग्रिल पैन मैंने ले लिया है, अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऑलिव ऑयल के साथ इसे ग्रीजिंग करूंगी। अब हम इसे लो फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे, 1 साइड को 10 मिनट्स तक फ्राई होने देना है। मैंने यहाँ पर 6 पीस चिकन डाला है। नाउ लेट्स कीप इट ओवर फॉर 10 मिनट्स। लेट्स डैब विथ सम ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गया, 1 साइड फ्राई हो रही है, अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। देखिए हमारी ये साइड जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है, अब ऑपोजिट साइड को हम ग्रिल करेंगे। Another 10 minutes हम इस साइड को भी लो फ्लेम में ग्रिल करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब वापस हम एक बार ऑलिव ऑयल से इसे डैप करेंगे और इसे फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चिकन पेरी पेरी हो गई है, अब मैं इसे पैकिंग के लिए निकालूंगी, और देखिए बहुत नाइस कलर आया है इस पे, साइड से देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छी अरोमा निकल रही है। फ्रेंड्स, हमारी माउथ वाटरिंग स्टार्टर पेरी पेरी चिकन इज रेडी, दिस इज विच इज वेरी यम एंड जूसी। और इस पेरी पेरी चिकन को मैंने ग्रीन चटनी और पेरी पेरी सॉस के साथ, प्लस मैंने अनियन स्लाइस के साथ मैंने सर्व किया है। और ये जो ग्रीन चटनी है और ये पेरी पेरी सॉस है, इसे मैंने आई बटन पे डाला हुआ है, आपको अगर चाहिए तो आप इस दोनों सॉस की तैयारी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स गो विद आवर पेरी पेरी चिकन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की पेरी पेरी चिकन बनाकर अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।